hello everyone today we are going to discuss about pollination process means prakan kriya pollination is a very important topic so let's start with what is pollination pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्लावर में जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और यह ऑर्गन जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं मींस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं फ्लावर का मेल ऑर्गन जो था एंड्रोसियम था जिसको स्टेमन भी बोलते हैं और यह जो है फिलामेंट और एंथर से मिलकर बना था एंथर में क्या प्रेजेंट थे पोलन ग्रेन प्रेजेंट थे और फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो था गाइनोसियम था जिसे कार्पल भी कहते हैं इसे स्टिग्मा स्टाइल और ओबरी मिलकर बनाते थे जब एंथर से पोलन ग्रेन जो है फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस को जो है हम पोलिनेशन कहते हैं सो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पोलिनेशन न क्रिया मीन्स पॉलीनेशन जो है एक प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच भी हो सकती है और एक प्लांट के सिंगल फ्लावर के बीच भी हो सकती है या दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच भी हो सकती है नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप सेल्फ पॉलीनेशन एंड क्रॉस पॉलीनेशन Cell pollination is further of two types autogamy pollination and gytnogamy pollination autogamy pollination occur in same flower whereas gytnogamy pollination occur in different flower of same plant Cross pollination is also known as genogamy or allogamy Cross pollination is carried out by abiotic factors and biotic factors. A-biotic factors are non-living factors and these are of two types, anemophily and hydrophily. Anemo means wind pollination and hydro means water pollination. Biotic factors are living factors that carried out cross-pollination such as entomophily by insect, chirpaterophily by bats, मोलेकोफिली बाई स्नेल्स एंड ऑनिथोफिली बाई वर्ड्स अब जो है हम इन सभी टाइप्स को जो है डिटेल में जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन मोनोइसियस प्लांट्स और इन दोज प्लांट्स वियरिंग बाई सेक्शुअल फ्लावर्स इन विच वोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मेच्योर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है यह जो है मोनोईसीस प्लांट्स में होती है मींस ऐसे प्लांट्स में होती है जिनमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं और एक ही टाइम पे मेच्योर होते हैं नाउ टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज़ आउटोगेमी And second one is gitnogamy. First one is autogamy. It is the process of transference of pollen grain from anther of a flower to stigma of a same flower. For example, pea, wheat, rice etc. are autogamous flower. Auto means self and gamy means fusion. तो ऑटोगेमी में क्या होता है एक सिंगल फ्लावर में ही पोलिनेशन प्रोसेस होती है मीन्स एक सिंगल फ्लावर के एंथर से जो है पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं नाउ वट इज़ गिट्नोगी इन दिस प्रोसेस पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर आर डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर वॉर्न ऑन द सेम प्लांट फॉर एग्जाम्पल मेज़ कॉर्न एट्सेट्रा किटनोगेमी में क्या होता है प्लांट तो सिंगल होता है लेकिन एक सिंगल प्लांट के दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन प्रोसेस होती है मीन्स एक फ्लावर के एंथर से जो है पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं नाउ

और दोनों ही सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उस कंडीशन को जो है होमोगेमी कहते हैं नेक्स्ट वन इज क्लिस्टोगेमी क्लिस्टोगेमी फर्स्ट डिफाइंड बाई कुहन इन 1867। इन क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स नेवर ओपन टू एक्सपोज देआर सेक्स ऑर्गन्स एंड द पोलन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर क्लिस्टोगेमी इज फॉलोड बाई जियोकार्पी इन प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट कलिस्टोगेमी कंडीशन में जो है फ्लावर ओपन नहीं होते मीन्स फ्लावर जो है क्लोज होते हैं और क्लिस्टोगेमी से जो है जियोकार्पिक फ्रूट बनता है क्लिस्टोगेमी कंडीशन जो है पीनट ग्राउंडनट और पीस में देखी जाती है और मोस्ट वाइड स्प्रेड होती है ग्रास फैमिली में एक और डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती है एक और डिवाइस है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती है एंड दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड एज चेज्मी चेज्मोगी कंडीशन में क्या होता है पॉलिनेशन जो है चेज्मोग फ्लावर में होती है और चैज्मोगेमस फ्लावर जो है उनमें ओपन पेटल्स होती है जो कि एनसर्कल करती है एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को तो हमने किसके बारे में जाना सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जाना और उसके टाइप्स ऑटोगेमी और गिटनोगेमी के बारे में जाना और जो डिवाइसेस जो है सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती है दैट इज़ क्लिस्टोगी होमोगेमी एंड चेस्मोगेमी उनको डिस्कस किया नाउ सेकेंड वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन इज़ ऑल्सो एज जिनोगेमी और एलोगेमी सो व्हाट इज़ क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन इज़ डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जो है पोलिनेशन प्रोसेस हो रही है तो उस पॉलीनेशन प्रोसेस को जो है क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी या एलोगेमी कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन इज कैरिड आउट बाई टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स ए बायोटिक एंड वायोटिक एजेंट्स ए बायोटिक एजेंट्स आर नॉन लिविंग एजेंट्स सच एज विंड एंड वाटर। एंड पोलिनेशन वाई विंड इज कॉल्ड एज एनीमोफिली एंड वाई वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली सेकेंड वन इज़ वायोटिक एजेंट्स biotic agents are the living agents that carry pollination process pollination process by insect is called as entomophily and by birds is called as ornithophily and by bears is called as chirpeterophily and by snails and slugs is called as malacophily and pollination by ants is called as myrmecophily फर्स्ट वन इज़ विंड पॉलीनेशन विंड पॉलीनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड विंड पॉलीनेशन को जो है एनीमोफिली भी कहते हैं ऐसे फ्लावर जिनमें की पॉलीनेशन प्रोसेस जो है विंड की हेल्प से होती है उनके पोलन ग्रीन जो है बहुत सी स्मॉल होते हैं और लाइट वेट होते हैं और बहुत ही लार्ज नंबर में होते हैं इनकी पेटल जो होती हैं वो स्मॉल होती है और ग्रीन कलर की होती है बिकॉज देयर इज अ नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंथर्स आर एक्सपोज टू द विंड सो दैट पोलन कैन इजीली वी ग्लोन अवे विंड पोलिनेटिड फ्लावर्स के स्टिग्मा जो है फैदरी होते हैं टू कैच पोलन कैरिड ऑन बिंड इन बिंड पॉलीनेटिड फ्लावर्स सेंट ऑन इज अबसेंट विंड पोलिनेशन ऑक इन व्हीट राइस कॉर्न राई वार्ले एंड ओट्स एटसेट्रा next one is water pollination water pollination is also called as hydrophily and it is mode of pollination or transfer of pollen grain by the agency of water hydro is related to water so hydrophily means pollination with the help of water for example in valisneria and jostra वाटर पोलिनेशन में क्या होता है पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक वाटर की हेल्प से पहुंचते हैं नेक्स्ट आर बायोटिक फैक्टर्स दैट कैरी पोलिनेशन प्रोसेस फर्स्ट वन इज एंटोमोफिली इट इज़ रेफर टू द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स बटरफ्लाइज बास्प्स बीज एंड बेटल्स एटसेक्ट्रा इंसेक्ट द्वारा होने वाली पॉलिनेशन प्रोसेस को जो है एंटोमोफिली कहते हैं नेक्स्ट वन इज ऑनिथोफिली। ऑनिथोफिली में पोलन ग्रेंज जो है स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑनिथोफिलस प्लांट आर वॉटर ब्रश रेड कॉलर ट्रे एंड सिल्क कॉटन एंड एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स आर हमिंग बर्ड्स सनवर्ड्स हनी ईटर्स एंड हनी क्रीपर्स एट्सट्रा नेक्स्ट बने चिर पटेरोफिली चिर पटेरोफिली में क्या होता है पॉलिनेशन प्रोसेस जो है ऑपर होती है थ्रो वैट्स और ऐसे फ्लावर जिनमें जो है वैट्स के थ्रो पॉलिनेशन होती है उनको चिर पटेरोस फ्लावर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगेव गावा एंड मॉर्निंग ग्लोरी नेक्स्ट वन इज़ मलैकोफीली मलैकोफिली रेफर टू द पॉलीनेशन ऑफ प्लांट्स वाई स्नेल्स एंड स्लग्स स्नेल परफॉर्म पॉलिनेशन इन एरिजिमा स्नै और कोबरा प्लान्ट एरम लिलीज स्नेल और स्लग्स के थ्रो होने वाली पॉलीनेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेकोफीली बोलते हैं लास्ट वन इज़ मिर मेकोफीली आर्ट्स के थ्रू होने वाली पॉलिनीशन प्रोसेस को जो है मिर मेकोफीली होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन मैंगो लीची जामुन एंड अकेशिया पॉलिनेशन ऑकर थ्रो आर्ट्स दैट्स ऑल अबाउट पॉलिनेशन प्रोसेस फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Thank you.